भारत सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर आज बलिया जनपद के सिटी में एक होटल के सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान, जिसमें माननीय जमाल सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, जमाल सिद्दीकी साहब मौजूद थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनके साथ राज्यसभा सांसद धीरज शेखर, लोकसभा सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त और प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु कार्यक्रम के मंच पर मौजूद थे। उन्होंने 9 साल में जो भारत सरकार ने देश के विकास में, संसदीय लोक क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं, उसकी बाकायदे उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि करोड़ों अरबों रुपए भारत सरकार विकास पर खर्च कर रही है, चाहे किसानों की बात कर लें, चाहे परिवहन के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे कृषि के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री ने बेहतर काम किया है। उन्होंने सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त ने पत्रकारों के सामने कहा कि अपने निधि से 20 करोड़ रुपये हमने 4 साल में मैंने खर्च किए हैं। 20 करोड़ रुपये जो निधि से जो काम हुए हैं, जिसमें मेडिकल के क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह लगाए गए, उसके अलावा रैन बसेरा, सत्संग भवन आदि क्षेत्र में सांसद निधि से रुपए लगाए गए और उससे विकास कार्य हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया संवाद, प्रेस वार्ता, सारे बोर्ड लगे हुए हैं। ये टाउन हॉल रोड है जहां मंत्रियों के, सांसद के गाड़ी लगी हैं, VIP गाड़ी लगी हैं यहाँ पर। तो बार बार ये प्रश्न जरूर उठता रहा है कि बलिया के विकास को लेकर क्या हो रहा है, तो उसमें सांसद बीरेन्द्र सिंह नमस्ते कहा कि बलिया में विकास बहुत बेहतर हो रहा है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की बात कर लें या गाजीपुर से हाजीपुर रोड सड़क चौड़ीकरण की बात कर लें, हर क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में बलिया का विकास हो रहा है। किसानों को सम्मान दिया जा रहा है, किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपये पहुँच रहे हैं। यहाँ पर करीब 4.5 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है, उनके खाते में पैसा जा रहा है। तो हर क्षेत्र में उन्होंने कहा कि बलिया विकास के पथ पर है, बलिया के विकास के क्षेत्र में भारत सरकार बेहतर काम कर रही है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। विकास को लेकर उन्होंने प्रेस नोट के माध्यम से पत्रकारों के सामने हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, उसको लेकर विधिवत उन्होंने चर्चा की, विस्तारपूर्वक उन्होंने बताया। तो इस वक्त हम, आज दिन शुक्रवार है, करीब 12 और 1 के बीच का ये समय है, और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु भी हैं, सांसद धीरज शेखर भी हैं, जमाल सिद्दीकी हैं जो अल्पसंख्यक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया अक्षर से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।